गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भाषा। क्या है हमारी बुक का नाम? भाषा उदय, हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 4, जिसका हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, मतलब पाठ 1। पाठ 1 क्या है? शुभ प्रभात। कल मैंने 3 बच्चों को रीड करने के लिए दिया था, तीनों बच्चे ने बहुत अच्छे से रीड किया है। अब मैं आपको उसे पढ़ते पढ़ते इसका मीनिंग बताऊँगी। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कविता परिचय। सुबह से ही दिन की शुरुआत होती है, सुबह का दृश्य कितना सुखकर होता है। प्राकृतिक का चित्रण करती यह कविता एक नए आरंभ का संदेश देती है। मॉर्निंग से में क्या क्या चीज़ होता है? देखो, जब हम उठते हैं सुबह, तो सुबह एक सूरज की किरणें पड़ती है, प्राकृतिक। अब बाहर निकलो तो प्राकृतिक का सौंदर्य बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। तो यही सब क्या इस कविता में बताया है कि सवेरे होता क्या है। इस कविता के राइटर हैं प्रभाकर शुक्ला। ओके, तो हम कविता स्टार्ट करते हैं। नयन का नयन से नमन हो रहा है, लो उषा का आगमन हो रहा है। परत पर परत चांदनी कट रही है, तभी तो निशा का गमन हो रहा है। इसमें लेखक कहते हैं कि जब आप कभी भी मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी आंखें मिच होने लगती है। तो वो क्या है, आंखें आपस में नमन करने लगती है। नमन का मतलब क्या होता है? नमस्कार करने लगती है। इसमें कवि बोल रहे हैं कि अब निशा, मतलब रात धीरे धीरे कम समाप्त होती जा रही है, मतलब रात धीरे धीरे जा रही है, और जो चांद की चांदनी है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सुबह हो गई है, अब सुबह होने वाली है। उषा का मतलब है अब सुबह होने वाली है, अब हमारे उठने का समय हो चुका है। क्षितिज पर अभी भी आलस्य सपने पलक खोलकर भी शयन हो रहे हैं। क्षितिज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्षितिज कहते हैं। इसमें बोल रहा है सुबह हो गई है, परंतु आलस्य के सपने में पलक खोल कर भी शयन हो रहे हैं। बट क्या है, सुबह ज़रूर हो गई है, बट हमें उठने का मन नहीं कर रहा है। इसमें लेखक बोलते हैं कि उठने का मन नहीं कर रहा है, आलस्य के सपने में अभी भी हम खोए हुए हैं। ठीक है, शयन का मतलब क्या होता है? सोना, मतलब आलस्य के सपने हम देख रहे हैं और सोए हुए हैं। झरोखों से प्राची की पहली किरण की लहर से प्रथम आचमन हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें बता रहे लेखक कि सूरज की पहली किरण क्या है? झरोखों, मतलब खिड़की से अंदर, पूरब की ओर से प्राची, मतलब पूरब की ओर से अंदर आ रही है। ये कैसे प्रतीत हो रही है? ये प्रतीत हो रही है जैसे जल का पानी, मतलब जैसे पानी की एक लहर होती है ना, वैसे ही ये सूरज की किरण जब हम पर पड़ रही है तो ये क्या जल की एक लहर के समान प्रतीत हो रही है। है नहला रही हर कली की तुसारे, लगन पूर्व कितना जतन हो रहा है। ये क्या है, आप देखे होंगे सवेरे उठ के, लेखक कह रहे हैं कि ये जो कलियों को, मतलब पेड़ पौधों को, ओस की बिंदों से नहला रही है ताकि वो भी अब सुबह हो गए हैं, उठ जाएं। वहीं शाख पर पक्षियों का ही कलरव प्रभाती सा लेकिन सहन हो रहा है। अब क्या है, पेड़ों पर भी आकर पक्षी बैठने लगे हैं और पक्षी अपने गीत गाने लगे हैं। कलरव का मतलब क्या होता है? पक्षियों की आवाज़। वो क्या बोल रहे हैं, सुबह हो गई है, अब वो अपने गाने से सबको उठा रहे हैं। बढ़ती जा रही है जिस तरह से अरुणिमा है, लगता है कहीं पर हवन हो रहा है। इसमें बोल रहा है जैसे जैसे सुबह होने लगी है, सूर्य की किरणें तेज होने लगी है। जो सूर्य की किरणें तेज कैसे प्रतीत हो रही है? जैसे कोई कहीं हवन करा रहा है। मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है, नए दिन का कैसा सृजन हो रहा है। इसमें बोल रहा है ये सुबह जो है बहुत चमकीली सी, सुंदर सी है, इसमें खुशबूदार हवा चल रही है। ये कैसे प्रतीत हो रही है? जैसे कोई रचना हो रही हो। रचना मतलब सृजन, मतलब होता है रचना,
ये बता रहे हैं कि सुबह का की रचना किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, सुप्रभात। इसमें यही बता रहा है कि सुबह की दिनचर्या कैसी होती है और सुबह हमें कैसा महसूस होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ कठिन वर्ड बताऊंगी जो आप पढ़ना। ठीक है, पहला है कठिन शब्द में, पहला है नयन, दूसरा है आगमन, तीसरा है चांदनी, चौथा है क्षितिज, पांचवा है अलसाय, छठवा है जरो छरोके, सातवा है प्राची, फिर है पूर्व, फिर है कलरव, फिर है अरुणिमा, सुगंधित, सृजन। ये सब क्या है आपके कठिन शब्द। अब आते हैं आपके शब्दार्थ। आपके शब्दार्थ क्या है? नयन, नयन का मतलब क्या होता है? आंखें। नमन का मतलब नमस्कार। उषा का मतलब सुबह। निशा का मतलब रात। गमन का मतलब जाना। क्षितिज, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। शयन का मतलब होता है सोना। जरोखे का मतलब होता है खिड़की। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। आचमन का मतलब होता है जल, पीना। तुषार, ओस की बूंद। जतन, प्रयास। कलरव, पक्षी की आवाजें। प्रभाती, प्रभाती सुबह में गाया जाने वाला गीत। अरुणिमा, सुबह की लालिमा। आभा, चमन, सृजन, रचना। ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट करेंगे और इसका बाकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।